राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं भी मौजूद हूँ। देश के अंदर अमन चैन की आवश्यकता, चारों तरफ सामाजिक और कुछ दल विशेष के लोग वह मनुष्य कराना चाहते हैं, इसको दूर करने के लिए एक कार्य का आयोजन किया गया है और इसमें जितने बड़े आबादी में सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग शामिल हुए वो काबिले तारीफ है और मैं सभी लोगों को ये शुभकामना देता हूँ अल्लाह ताला की कृपा से लोगों को नेकी के पद पर ले जाए, बरकत के पद पर ले जाए और साथ ही साथ आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश मैं पूरे देशवासियों को पूरे राज्यवासियों को देता हूँ। जो अभी के समय में आपसी भाईचारा आपसी प्रेम बढ़ाने की जरूरत है और उसको बढ़ाना आवश्यक है, इसलिए सभी लोग किसी के बहकावे में न आवे, आपसी प्रेम और भाईचारा इस आठ महीना में एक दूसरे के प्रति समर्पित करने का कोशिश करें। देखिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी यहाँ जरूर नहीं है शरीर से, लेकिन उनकी दिल और उनकी आत्मा यही है और वो प्रत्येक घंटे घंटे इस पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा ले रहे हैं और लगातार इस चीज़ों पर नजर रख रहे हैं, कहीं किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से अपील करूंगा, मैं उन्हें निमंत्रण भी दिया जो इस तरह का घिनौना करतूत बिहार के अंदर हुआ है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आप लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग इस चीज से सबक लीजिए और बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल कायम किया था उसको कायम रहने दिया। भोला जी ने कह दिया, बीजेपी को बड़ा संदेश दे दिया इस सरकार के माध्यम से हमारे सहयोगी सन्नी के साथ।